वो बना हुआ देखिए सामने मुंडेश्वर टेम्पल, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। और मैंगलोर से निकलने के बाद आपको ये खूबसूरत सा कर्व जरूर देखने को मिलेगा, पूरा समुद्र है देखिए सामने, ये जो है ना ये पूरा समुद्र में जाके मिल रही है नेत्रावती रिवर, ट्रेन से समुद्र के नज़ारे। अच्छा हाई टाइड देख रहे हो दोस्तों, क्या जबरदस्त चल रहा। वो बना हुआ देखिए सामने मुंडेश्वर टेम्पल, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, भगवान शिव जी की प्रतिमा दिख रही है आपको। फिलहाल जो है ट्रेन को शिरूर पर रोक दिया गया था, मैं जस्ट बाहर निकला था, मौसम तो एक नंबर हो रहा है। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए अभी थोड़ा ट्रेन को जो है लूप पे रखा है तो इतनी जल्दी निकलेगी नहीं। बाकी चलिए बाहर चल के मैं आपको व्यू दिखाता हूँ शिरूर से, ये देखिए है ना ब्यूटी, क्या वाइब ही अलग है भाई साहब रेलवे स्टेशन की, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी और बीच में बना हुआ है हमारा शिरूर रेलवे स्टेशन, और सामने खड़ी हुई है हमारी प्यारी सी त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसे बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी। केरला के किसी रेलवे स्टेशन पे और अनशेड्यूल हॉल्ट हो जाए आपकी ट्रेन तो भाई साहब अलग ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी का और जुगाड़ होता ना मज़ा आ जाती भाई साहब। बस वही है कि साउथ के जो छोटे स्टेशन से वहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी नहीं देखने को मिलेगी, वो अलग चीज़ है। अब देखते हैं किस ट्रेन के साथ कोई तो किसके साथ जो है हमारा क्रॉसिंग होने होगी। फिलहाल हल्की हल्की बारिश भी हो रही है रूट पे, देखते हैं। और हाँ खाने का अपडेट देना चाहता हूँ, खाने के लिए ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स मैंने देखे थे पर इतना अच्छा कुछ खास दिखा नहीं। राइस वगैरह आप खाना पसंद करते तो आपको बढ़िया मिल जाएगा, बाकी इसके अलावा रोटी वगैरह नॉर्मल चीज़ें मिल नहीं रही है। तो साउथ इंडियन डिश जो है उडुपी पर ट्राई करेंगे, चेकआउट करेंगे कि कुछ इडली वगैरह या डोसा मिल जाए चटनी के साथ, जो साउथ इंडियन टेस्ट होता है। अब तो हम प्रॉपर कर्नाटका के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक कोशिश रहेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मिलती है कि नहीं मिलती। SMBT भुवनेश्वर, यहाँ उडुपी के पहले दवा के बारिश स्टार्ट हो गई है, खतरनाक बारिश चल रही है।
तो नज़ारा ही अलग है भाई साहब। पूरी बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस समय, और मे भी हो सकता है आगे और भी बारिश देखने को मिले इस समय अपने को, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग उड़पी से आगे बढ़ रहे हैं एर्नाकुलम के तरफ बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है इस तरफ भाई साहब। इधर तो मतलब समझ लीजिए अभी तो पीक सीज़न स्टार्ट भी हुआ है, तो ये हाल है। पीक सीज़न स्टार्ट होगा तो पता नहीं क्या ही होने वाला है भाई साहब। अल्टीमेट बारिश हो रही है। चलिए उड़पी आने वाला है, उड़पी पे मैं आपको मिलता हूँ, जब तक आप बाहर के नज़ारे इंजॉय करें। फिलहाल ये जो आपने देखा सामने निकली, ये स्वर्णा नदी थी, ये थी स्वर्णा नदी जो क्रॉस किए, और हम लोग अब उड़पी में एंटर हो चुके हैं, उड़पी पहुँच चुके हैं। स्टेशन आने वाला है जस्ट थोड़ी देर में, उड़पी पे जो है मैं आपको मिलता हूँ। बाकी एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ी देर में जब उड़पी पहुँचती है ट्रेन तो मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। ये हाइजीन जो है ट्रेन के अंदर मेंटेन हो रही है, देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर बाथरूम है। अब ये जो है शाम को जो है इसी से आप लोगों को चाय पिलाई जाएगी, इसलिए मैं साइड मिनट को प्रेफर नहीं करता, बहुत ही गंदे रहते हैं, मैथेटिक रहते हैं। आप सोचिए साउथ की ट्रेन है, नॉर्थ की ट्रेन होती तो क्या ही हाल होते भाई साहब। चलिए उड़पी आ रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। काट लाए ठीक है बढ़िया। हाँ बिनो या भैंक बिने के जाना दादा थे बिने के दरिया थे अपने बहुत ही बात होते हैं। पूरे 6 घंटे के डिले के साथ 1:40 पे उड़पी रेलवे स्टेशन पे हमारा अराइवल हो चुका है। फिलहाल देखिए खाने पीने के लिए यहाँ भी कोई स्टॉल तो दिखा नहीं मुझे, और मैं सोच रहा था साउथ इंडियन परचेज़ करूँ, पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाती ट्रेन तो साउथ इंडियन मिल भी जाता, यहाँ तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। हाँ बाकी बात की जाए उड़पी की, तो यहाँ पर श्री कृष्णा टेम्पल है फेमस देखने के लिए, और अगर उड़पी आ रहे हैं तो यहाँ का नीर डोसा ट्राई करना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा नीर डोसा मिल जाता है। बाकी ये साइड पेंट्री वाले यहाँ से जो लोग पीछे देख ही रहे हैं आप लोग, ये उतर चुके हैं इनका जो सामान वामान लेकर। बाकी देखा ना आपने क्या हाइजीन मेंटेन हो रही है यहाँ पर, ये हाइजीन मेंटेन हो रही है, इसलिए मुझे तो मेरा तो विश्वास उठ चुका है। आप लोग भी ट्रैवल करें ना इस ट्रेन में तो खाना खुद कैरी करके चलिएगा, या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा, साइड पेंट्री से खाना मत लीजिएगा, बहुत ही पैथेटिक हालत में चल रही है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। कम से कम रेलवे का तो सोचना चाहिए इस बारे में कि ये कैसे लोगों को मतलब इतना गंदा खाना खिला सकता, कल को कुछ हो जाए किसी को तो कौन जिम्मेदार रहेगा। रेलवे से मैं ये चीज़ तो बिल्कुल मांगता हूँ कि भैया यहाँ पे कम से कम इस ट्रेन के अंदर पेंट्री बनाए और थोड़ा हाइजीन मेंटेन करे, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी ना किसी को कुछ हो गया तो कल को कौन जिम्मेदार रहेगा। बाकी मेरा एक ये छोटा सा सजेशन रहेगा, आप लोगों का सजेशन है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हसन के तरफ जाने वाली लाइन हमसे अलग होते हुए यहाँ से, और हम लोग हैं मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले। ये लाइन जो है सीधा जा रही है हसन के तरफ। अगर आप बैंगलोर से मैंगलोर की तरफ बढ़ेंगे तो यही लाइन जो है वेस्टर्न घाट्स को कवर करते हुए आती है, और इसी के साथ जो है हम लोग बैंगलोर में एंटर हो चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। हाँ उतर मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन अराइवल हो गई है। फिलहाल जो था डोसा लिया है यहाँ से, डोसा ट्राई करते हैं स्टेशन का कैसा है, 70 रुपीज़ का मिला है,
बाकी जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हसन वाली लाइन आके मिलती है, मैंने आपको अभी दिखाया ही था। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 6 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन चल रही है, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है मंगला देवी टेम्पल घूमना ना भूलिएगा। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं घूम के गया था यहाँ पर मैंगलोर, और यहाँ पे बीचेस भी बहुत शानदार है। मतलब मैंगलोर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के बीचेस बहुत सुंदर है, अल्टीमेट भाई साहब बहुत सुंदर है। तो आएंगे तो कभी मैंगलोर के सिटी का टूर जरूर बनाइएगा, बहुत प्यारी सिटी है, कर्नाटका के अंदर आती है, तो कभी आप आए तो जरूर। फिलहाल ट्रेन के अंदर जो है साइड पेंट्री वाले भी उतर गए, तो खाने पीने का कुछ भी है नहीं। तो अगर आप, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर कोशिश करिए साथ में लेके जाइए, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। फिलहाल मैं तो ट्राई करने के लिए लिया, कुछ था ही नहीं तो फिर स्टेशन से लेते, वही ऑप्शन है इसके अलावा। बाकी चलिए ट्रेन डिपार्चर लेती है, उस टाइम पे मैं मिलता हूँ। और ये है कुछ ऐसा दिखता है मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और मैंगलोर में 2 रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। हम जो आए वो जंक्शन है, और एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने 2223 किलोमीटर का डिस्टेंस कम्प्लीट कर लिया है अभी तक। बस 5 मिनट का हॉल्ट है, जो भी खाना पीना लेना है तो आप फटाफट कलेक्ट कर लेना, 5 मिनट के अंदर ट्रेन निकल देगी यहाँ से। हमारी ट्रेन भले ही लेट हो पर जो टाइम टेबल है वो एकदम फॉलो अप कर रही है ट्रेन। बाकी इडली डोसा वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो हमने ले लिया है फिलहाल। जो भी रहेगा खाना पीना इन्जॉय करेंगे और इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने सोचा था अल्लापूजा वाला जो रूट है ना वो डे लाइट में हो जाए तो ज़्यादा बेटर था, पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं हुई है इस बार। फिर कोई बात नहीं, फिर कभी कोई दूसरी ट्रेन लेकर आएंगे और अल्लापूजा वाला रूट भी कवर करेंगे हम लोग। चलो 15 मिनट हॉल्ट के बाद जो है हम लोग निकल गए हैं मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हो गई, 15 मिनट ट्रेन रुक गई तो लोगों को खाने पीने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे हॉल्ट मिल गया, तो लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पर खाना वगैरह आराम से जो अपना फिनिश कर लिया। और बाकी खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से यहाँ पे डोसा इडली वगैरह चाय कॉफ़ी वगैरह पानी वानी सब मिल जाएगा आप लोगों को मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगर आपकी ट्रेन क्रॉस हो रही है तो। यहाँ पर जो है 5 घंटे 18 मिनट का जो है डिले हमारे साथ अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। 6 घंटा चल रहा था पर 5 घंटे 18 मिनट हो गया अभी फिलहाल। मैंगलोर से निकलने के बाद आपको ये खूबसूरत सा कर्व जरूर देखने को मिलेगा। और अभी हम पार कर रहे हैं कर्नाटक की सबसे पवित्र मानने वाली रिवर को, नेत्रावती रिवर। बाकी सामने बना हुआ है अरेबियन सी, नेत्रावती रिवर जो है अरेबियन सी में जाके मिल रही है यहाँ से, पूरा समुद्र है देखिए सामने, ये जो है ना ये पूरा समुद्र में जाके मिल रही है नेत्रावती रिवर।
मैंग्रोलू एक्सप्रेस। ट्रेन से समुद्र के नज़ारे, अच्छा हाई टाइड देख रहे हो दोस्तों, क्या जबरदस्त चल रही है इस समय। नेत्रावती एक्सप्रेस सिटी हो तो ऐसी कैलीकट जैसी। स्वागत है आपका कोझिकोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। हाँ जी, ये वही शहर है जहाँ से वास्को डी गामा जी ने हमारी भारत की शुरुआत करी थी या भारत को ढूंढा था हमारे। बाकी कोझिकोड सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है आपको कैलीकट हलवा देखने को मिलेगा, 52 प्रकार से भी ज़्यादा का जो है हलवा आपको कैलीकट में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ के बीचेस, सिटी वगैरह, कभी आना हो घूमने तो इस सिटी में ज़रूर आना। मैं तो डेफिनेटली आऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा ये सिटी, जिस दिन भी मैं आऊँगा टाइम निकाल के आना पड़ेगा। बाकी कैलीकट के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ का हलवा ट्राई करना मत भूलिएगा, मैंने अभी आपको बताया, रिपीट बता रहा हूँ, 52 टाइप का जो है आपको यहाँ पर हलवा देखने को मिलेगा कैलीकट के अंदर। ये चलिए जो है देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैलीकट हलवा कैसा होता है, वो कहीं देखने को मिल जाए बस। एक्चुअली मैं कोच बाहर आगे निकल गया है। बाकी ये है कैलीकट का हलवा, ये देख लीजिए कैलीकट हलवा, ये होता है पूरा, बहुत फेमस है, कभी आप आ रहे हैं तो ट्राई करना मत भूलिएगा कैलीकट। बाकी चलिए, 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का, तो फटाफट जो है अपनी कोच की तरफ बढ़ते हैं। मैं मेन सिटी दिखाने के लिए आप लोगों के लिए नीचे उतरा हूँ और वो हलवा दिखाने के लिए उतनी दूर गया था। बाकी यहाँ पे आपको स्पाइस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा जो है स्पाइस प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है मात्र। चलिए, मेरा कोच जो है काफ़ी आगे चला गया है। ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो पर फैसिलिटीज सारी है। अभी अराइवल के टाइम पे मैं फुल जो है आपका वीडियो डाल दूंगा तो आपको दिखेगा कि फैसिलिटीज सारी है। IRCTC का फूड कोर्ट वगैरह सब देखने को मिलेगा आपको, खाने पीने के लिए कुछ भी लेना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है स्टेशन के अंदर। ताकि हमारी ट्रेन से जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डीबोर्ड हुए हैं और कुछ लोग बोर्ड भी हुए हैं यहाँ पर। चलिए, मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। बाकी स्टेशन कर्व पे बना हुआ है, जैसी सिटी वेटर स्टेशन। Passengers, for your kind attention. If you come across any children who are traveling alone or are in an unsafe situation in the train or railway station,
कैलीकट ने दिल जीत लिया भाई साहब। जो भी लोग कैलीकट से वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आप लोगों की सिटी मान गए भाई साहब। ये भी सिटी जो है देखने लायक है। बाकी आप लोग भी अगर कहीं और से भी वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी आपको जब टाइम मिले तो कैलीकट जरूर विजिट करना, केरला में अगर आ रहे हैं तो आप लोग। फाइनली यहाँ पर 8:08 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इंपॉर्टेंट रूट्स की बात की जाए तो यहाँ से आपको एक निलंबू रोड वाली लाइन देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आप यहाँ पर कोयम्बटूर के लिए आगे बढ़ सकते हैं पलक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन होते हुए, और हम लोग यहाँ से जो है एर्नाकुलम के लिए आगे बढ़ेंगे त्रिशूर होते हुए। बाकी शोरानूर आता है पलक्कड़ डिवीज़न के अंदर में। बाकी शोरानूर सिटी जो आती है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है, जो भारतपुज़ा रिवर के किनारे पर बना हुआ छोटा सा शहर है। बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है निलंबर रोड वाली जो ट्रेन चलती है वो बहुत ही मतलब फैंटास्टिक ट्रेन है। इस रूट की बात ही अलग है भाई साहब। मैं एक बार जो आया था आज से 6 महीने पहले जो कवर करके गया था, पर उस टाइम पे ग्रीनरी नहीं थी, पर इस टाइम पे पीक ग्रीनरी पे। अगर मौका मिला और आप लोगों का अगर सजेशन मिला मुझे या आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बताइएगा, इस रूट को स्पेशली जो है हम कवर करने आएंगे। बाकी स्टेशन पे खाने पीने की फैसिलिटीज आपको एक स्टॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैलीकट हलवा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है मेरे को, और थोड़ा बहुत यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का, थोड़ा बहुत खाना पीना यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ कलेक्ट करने के लिए मिलता है, नहीं तो आगे त्रिशूर वगैरह आ रहा है वहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी हाँ, ऑनलाइन फूड की बात की जाए तो मैंने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर नहीं करा है, मुझे कुछ दिखा नहीं, थाली वगैरह यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चीज़ें कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे कुछ लगा नहीं कि, और नॉनवेज वाला होटल है तो फिर अपन नॉनवेज खाते नहीं है, इस वजह से जो है थोड़ा सा मैं उस रेस्टोरेंट से नहीं करा हूँ ऑर्डर। बाकी राइस वगैरह मुझे खाना नहीं था तो मैं देखता हूँ आगे स्टेशन पे कुछ मिलता है तो आज रात का डिनर कंप्लीट करते हैं। बाकी ट्रेन की डिले वही है 5:20 के अप्रॉक्स जो ट्रेन डिले चल रही है। बाकी चेकआउट कर लेते कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन भाई साहब मान गए भाई साहब, ट्रेन जो है ना मतलब पूरा सिस्टम ही उल्टा हो गया जिस हिसाब से। देखते क्या मिल रहा है खाने के लिए, पूछता हूँ। चलिए, मैं सोच रहा था बिरयानी मिल जाएगी पर बिरयानी तो मिली नहीं, तो ये वड़ा मिल गया है। पर ये बात अच्छी हो गई कि कोकोनट चटनी के साथ मिल गया है, तो प्रॉपर जो है साउथ इंडियन वाला जो है टेस्ट आने वाला है। बाकी साउथ में आ गए तो इसी को ट्राई करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसको टेस्ट करके मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ट्रेन का डिपार्चर होने ही वाला है, बस 5 मिनट मात्र हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ट्रेन यहाँ पर, तो इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है ये यहाँ का वड़ा। बिरयानी ख़त्म हो गई थी तो मैं आपको बिरयानी ज़रूर यहाँ पे लेगा। वैसे भी यहाँ पे जो है खाना पीना अच्छा मिलता है स्टेशन पे, स्टेशन की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप अंडा बिरयानी वगैरह खाते हैं, मैं तो देखो पर्सनली अंडा नहीं खाता हूँ इसलिए मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता सकता हूँ, बाकी आप लोग खाते हैं तो ले सकते हैं, अच्छी रहती है। मैंने पैसेंजर से पूछा था तो बता रहे थे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन देख लीजिए आप, ऐसा बना हुआ है सामने। आगे जस्ट यहाँ से जब ट्रेन डिपार्चर लेगी ना तो भारतपुज़ा रिवर आएगी, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। इसके बाद जो है त्रिशूर आएंगे, अलवा, और फिर एर्नाकुलम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ये शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से जो वड़ा लिया था उसको ट्राई कर लेते हैं। लगता अंकल चटनी में नमक डालना भूल गए, बाकी वड़ा ठीक है, बढ़िया था। आप ट्राई कर सकते हैं शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगर आ रहे हैं। चलिए, सिर्फ 10 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी है क्योंकि जो वाटर रिफिलिंग वगैरह करा जा रहा था। बाकी यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको डोसा, इडली, वड़ा वगैरह मिल जाएगा आसानी से, चाय वगैरह स्नैक्स टाइप के आइटम सब मिल जाएंगे। अभी जो है हमें रूट पे वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है तो मैं उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ आपको फिलहाल। ये आ गई आपकी कोयम्बटूर की तरफ से लाइन जो पालक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही है।
फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं कोचीन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जस्ट एर्नाकुलम और अलवा के पास में ही पड़ता है ये। रेल ब्लॉक बाय अनुराग कल 12:30 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हमारी कोट्टयम वाली जो मेन लाइन है, इम्पोर्टेंट मेन लाइन, वो अलग हो जाएगी और हम यहाँ से एलापोजा वाली मेन लाइन जो सिंगल लाइन है उस पर हम बढ़ जाएंगे। वो जाके आगे कायाकुलम जंक्शन पे जो है हम मर्ज हो जाएंगे, इसलिए एर्नाकुलम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको अगर मुन्नार के लिए जाना है तो एर्नाकुलम से जो है अलवा के लिए 20 किलोमीटर है। यहाँ से ट्रेन भी चलती है और मेट्रो भी आपको बाहर से मिल जाएगी, तो मुन्नार यहाँ से जा सकते हैं। मुन्नार जो है यहाँ का टूरिस्टिक हिल स्टेशन है, तो अगर आपको कभी मौका मिले तो मुन्नार ज़रूर विज़िट करना। बाकी एर्नाकुलम में जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है और खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 24/7 यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह, डोसा, इडली वगैरह आराम से देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा फ़िलहाल जो है डिले चल रहा है इस प्रकार से, और 5 मिनट का हमारा जो है यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है। ट्रेन के डिले के हिसाब से, जिस हिसाब से पंक्चुअलिटी मिल रही है ना, मुझे तो नहीं लगता कि जो ट्रेन है ऑन टाइम पहुँचे। मैं तो बोलता हूँ कि सुबह लेट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब इतनी लेट हो गई तो सुबह मॉर्निंग में पहुँचना चाहिए। कम से कम रात में जो है थोड़ा बहुत आराम से रेस्ट तो कर सकते हैं, रेस्ट मोड पे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार सुबह से व्लॉगिंग चल रही है। ओके, चलिए अब जब डिपार्चर होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ उस ट्रेन पे। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, मैंने आपको पहले भी दिखाया है अपनी ट्रेन जर्नीज के अंदर प्लेटफॉर्म ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली, जैसे दोस्तों आप लोगों से वादा किया था, 2:20 पे हम लोग जो है एलापुजा रेलवे स्टेशन आ गए हैं। बाकी यहाँ पे आना था हमको दिन के टाइम पे और हमारे रात में। फिलहाल 6:30 के डिले के साथ हमारी ट्रेन यहाँ पर चल रही है। और लाइट हाउस कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो एलापुजा बीच का लाइट हाउस है, अगर दिन का समय होता तो मैं आपको यहाँ से जो है समुद्र भी दिखाता था। बाकी देख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ तक जगह हूँ, और वैसे भी मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा जो है एक्साइटमेंट था इस लाइट हाउस को देखने के लिए। बाकी चलिए, इसके बाद अब सोने चलते हैं। अब डायरेक्ट जो है त्रिवानंतपुरम में इसका डिपार्चर दिखाते और गुड नाइट करते हैं, क्योंकि काफ़ी हो गया अभी ब्लॉगिंग वाला किस्सा। अब थोड़ा सा रेस्ट मोड पे चलते हैं। बाकी यहाँ पर मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है एलापुजा जो जाना जाता है, एलापुजा यहाँ पर हाउस बोट्स देखने को मिल जाएगी। सिटी ऑफ हाउस बोट्स भी बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ आपको एलापुजा बीच भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये है प्लेटफॉर्म आपका सामने बना हुआ, हमारी ट्रेन आई है जहाँ पर, और प्लेटफॉर्म नंबर तो नहीं पता किस पे आई है।
ताकि यहाँ पर जो है एलोपूजा धनबाद के रेख खड़े हुए खाली। बाकी चलिए दोस्तों सोने के लिए चलते हैं, क्योंकि रेस्ट मोड ऑन करना पड़ेगा। 2:51 तो हो ही गए, अब ट्रेन देखते और कितना डिले होती है। फिलहाल जो है एलओपी पे हम लोग खड़े हुए, क्योंकि गुरुवायूर चेन्नई एगमोर गुरुवायूर एक्सप्रेस जो है क्रॉसिंग होने वाली, सिंगल लाइन ट्रैक है ना, इसलिए जो क्रॉसिंग करवाएंगे यहाँ पे वो अभी वो टाइम लग जाएगा, तो लेट हो जाएगा एटलीस्ट। तो थोड़ी देर जो है रेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं सुबह कहाँ नींद खुलती है। शायद से सीधा हम लोग तिरुवनंतपुरम में ही मिलेंगे अब। तो अब चलो सोने जाते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको यहाँ से एलओपी रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ, इस तरफ से जो बना हुआ है एलओपी रेलवे स्टेशन। फैसिलिटीज़ आपको एक काउंटर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सामने, ये बना हुआ है एक काउंटर। वेटिंग लॉन्च भी बना हुआ है ऊपर, एसी वेटिंग लॉन्च भी है, नॉर्मल एसी, नॉन एसी डॉर्मेंट्री भी, एसी नॉन एसी डॉर्मेंट्री भी दिख रही है मुझे यहाँ से। मतलब एक स्टॉल इधर है और एक स्टॉल उधर है, तो बस ये 2 स्टॉल हैं। तो यही फैसिलिटीज़ आपको एलपी रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगी। बाकी चलिए अब यहाँ से करते हैं गुड नाइट, कल मिलेंगे सुबह। वेलकम टू द कैपिटल सिटी ऑफ केरला तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर पूरे 7 घंटे के डिले के साथ हम लोग आ गए हैं फिलहाल तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब ओवरऑल जर्नी की बात की जाए तो जर्नी देखिए बहुत लॉन्ग हो गई जर्नी। एक्चुअली में इस ट्रेन को जो है ना प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं मिलती है, जैसे ही ये मुंबई से आगे बढ़ती है तो इसकी प्रायोरिटी जो है सारी फेल हो जाती है। बाकी ट्रेन की हालत देखिए आपने, कैसे जो है रुकते रुकाते हम आखिरकार जो है सुबह, वो तो अच्छा हो गया आधी रात में नहीं पहुँचे। आधी रात में तो मतलब पूरी नींद भी नहीं होती, तो इससे अच्छा हो गया कि मॉर्निंग में पहुँच गया। पर पैसेंजर्स के लिए ये ठीक नहीं है, रेलवे को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और सभी ट्रेनों को जो है एज अ ट्रीट करना चाहिए। काफ़ी सारी ट्रेनें जो है इसको ओवरटेक भी करती है, अभी कोचीवेली पे भी ये काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेन डिले है तो उसको कोशिश करिए कि उसको कम से कम और डिले करवाने के। बट रेलवे में सिस्टम जो है वो डिफरेंट चलता है, इसके अपोजिट चलता है, जो ट्रेन डिले हो रही है उसको और ज़्यादा डिले करवाते हैं। बाकी वीकली ट्रेन है, इसमें आपको खाने पीने की तो आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है, और आप जो खाना पीना अपना साथ में लेके चलिए या ऑनलाइन ऑर्डर करिए। बाकी क्लीननेस की बात की जाए तो क्लीननेस अच्छी है, जो इसमें OBHS स्टाफ है वो एक्टिव रहता है। 3 से 4 लोग आपको थर्ड एसी में मिलेंगे OBHS स्टाफ के अंदर। बाकी देख ही रहे थे आप जर्नी कैसी थी, रूट वगैरह आपने देखा ही कैसे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद। फाइनली हमारी जो है जर्नी कंप्लीट हो गई है,
यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन को लगा दिया गया है फिलहाल। ये है त्रिवानंतपुरम सेंटर रेलवे स्टेशन।